गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 7 कंप्यूटर सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर सब्जेक्ट चैप्टर 1 इज इंटरनेट एंड ईमेल। इंटरनेट एंड ईमेल, व्हाट इज एन इंटरनेट एंड व्हाट इज एन ईमेल, रिगार्डिंग दिस टॉपिक देयर आर ब्रीफ डिस्कशन इन चैप्टर 1। आई थिंक आर यू नो वेरी वेल व्हाट इज इंटरनेट, बिकॉज नाउ दोस डे वी कैन ऑलवेज यूज इंटरनेट, नेट। वी से जस्ट शॉर्ट फॉर्म नेट, नेट है, यू हैव अ नेट, आपके पास नेट है, ऑन करो फटाफट, चलो ये फाइल ट्रांसफर कर दिया है, ये वर्कशीट के आंसर ट्रांसफर कर दिए, ये पीडीएफ फाइल भेज दिया है, ऐसा हम सब बोलते हैं, ठीक है। तो वो सब कैसे पॉसिबल है, तो वो सब पॉसिबल है इंटरनेट के थ्रू। वो सब कैसे पॉसिबल है, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। और जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे बाय पोस्ट हम भेजते हैं, बाय पोस्ट कुरियर में हम कुछ चीज भेजते हैं, ठीक है, उसी तरह से कुछ मैसेज या फिर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको हम कंप्यूटर के थ्रू दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं, तो उसको बोलेंगे ईमेल, क्या बोलेंगे, ईमेल। सो वी आर लर्न इन दिस चैप्टर ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनेट एंड ईमेल। फर्स्ट ऑफ ऑल अवर टॉपिक इज द इंटरनेट। व्हाट इज द इंटरनेट, तो द वर्ड इंटरनेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, इंटर कनेक्शन एंड नेटवर्क। विच टू वर्ड, इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क। क्या है इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क? इंटरकनेक्शन मतलब इनबिल्ट, ठीक है, ऑलरेडी उसके अंदर हो ऐसा इनबिल्ट कनेक्शन, और दूसरा है नेटवर्क जो किसी और कंप्यूटर से भी कनेक्टेड हो, ठीक है। खुद के कंप्यूटर में तो हो, नजदीक के कंप्यूटर में हो, पर हम ग्लोबली, ठीक है, पूरे विश्व में उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ऐसा नेटवर्क, ठीक है। हम भी फ्रेंड्स ग्रुप में क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, मेरे तो 10 दोस्त है, मेरे तो 15 दोस्त है, इसका नेटवर्क तो बहुत पावरफुल है, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेटवर्क? नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ पीपल और अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर और अ लॉट्स ऑफ थिंग इन अ वन प्लेस, ठीक है। किसी एक जगह बहुत सारी चीजें हो उसको भी हम नेटवर्क बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुपरमार्केट या मॉल, सुपर मॉल तो इज अ वन टाइप ऑफ नेटवर्क। देर आर लॉट्स ऑफ थिंग इन अ मॉल, क्लोथिंग, ग्रोसरीज, मोबाइल, एसेसरीज, गैजेट्स, कॉस्मेटिक्स, प्रोविजन आइटम्स, ऑल द थिंग्स आर पॉसिबल इन अ वन हब, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मॉल। इसी तरह से कंप्यूटर में एक कंप्यूटर के साथ बहुत सारे कनेक्टेड होते हैं जो लोकली भी हो सकते हैं और ग्लोबली भी हो सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क। क्या बोलेंगे, नेटवर्क। हम बहुत बार ऐसा भी बोलते हैं, यहाँ पे कंप्लेंट भी आती है कि इंटरनेट नेटवर्क प्रॉब्लम छे, वीडियो न अच्छी देखा, तो ये वो तो आपने बोलिए छे, वी हैव अ प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसा हम बोलते हैं। तो वो क्या है नेटवर्क, मतलब एट अ टाइम, एट अ सेकंड, सेम सेकंड लॉट्स ऑफ पीपल आर कनेक्टेड, तो वो नेटवर्क इश्यू बन सकता है, ठीक है। हम ऐसे ऐसे फोन लेके घूमते हैं कि भाई ये कोने में आता है अच्छा नेटवर्क, वो कोने में नहीं आता, किचन में आता है, तो उस जगह पे हम वो प्लेस पे बैठते हैं। तो नेटवर्क क्या है, पर्टिकुलर एक रूम से दूसरे रूम तक नहीं, पूरे विश्व तक, मतलब ग्लोबली है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क। द इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड। द इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ, इंटरनेट क्या है, द इंटरनेट इज अ कनेक्शन ऑफ थाउजेंड
computers. I also include one thing more than, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं. For example, सिर्फ 1000 नहीं, उससे भी ज्यादा 1000 computers or more than computer connection. The internet is a connection of 1000 computers in the world. या फिर more than computers in the world. ठीक है, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कंप्यूटर का कनेक्शन है, वो क्या बोलेंगे हम, इंटरनेट. पूरे वर्ल्ड में, इन द वर्ल्ड या फिर अक्रॉस द वर्ल्ड, किसी भी जगह से. ऐसा नहीं है कि हम अभी घर पे बैठे बैठे अमेरिका का न्यूज नहीं देख सकते, इंग्लैंड के बारे में नहीं जान सकते, ऐसा नहीं है. अक्रॉस, पूरे वर्ल्ड में किसी भी जगह से, अक्रॉस द वर्ल्ड. क्लियर है इतना? फिर से एक बार, द इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ 1000 कंप्यूटर्स. ठीक है, 1000 को यहां मिसप्लेस भी आप कर सकते हो, क्योंकि 1000 ऐसी लिमिटेशंस नहीं है, मोर देन आप लिख सकते हो. ठीक है, द इंटरनेट इज अ कनेक्शन ऑफ मोर देन कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है, कनेक्शन ऑफ 1000 कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड. द इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. ठीक है, इंटरनेट इन शॉर्ट, इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. ठीक है, इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. क्लियर है इतना? ठीक है, ये डब्ल्यू ओ आर के लिखा है, ठीक से लिखना पड़ेगा. ठीक है, इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. ठीक है, कंप्यूटर का जो नेटवर्क है उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरनेट. ठीक है, इतना क्लियर है. अब इसका यूज क्या है वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है, मेरे से ज्यादा आपको बताऊंगा. ठीक है, इंटरनेट का यूज क्या है, तो इंटरनेट का यूज ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में, ईच एंड एवरी जगह होता है. सबसे पहला यूज बता दूं तो आप सब लोग खुश हो जाएंगे, वो है गेम्स के लिए. ठीक है, इंटरनेट से आप गेम खेलते हो, मिनी मिलिट्री, फ्री फायर, और वो क्या है, दूसरी भी एक है गेम, सब कनेक्ट होते हैं, फ्रेंड्स एक टाइम सेट कर लेते हैं और फिर वो खेलते हैं. ठीक है, या फिर हम ऑनलाइन चैटिंग भी करते हैं, घर में मम्मी पापा बिजी हो जाते हैं ऑनलाइन चैटिंग में. ठीक है, फिर है वेब सीरीज, अगर ग्रैंड पेरेंट्स है तो वो भी बिजी हो जाते हैं कोई ऐसी सीरीज, मतलब ऐसे सीरियल्स देखने के लिए इंटरनेट थ्रू. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इंटरनेट के थ्रू हम अभी अभी तो देखो, बेस्ट एग्जांपल बता दूं आपको कि इंटरनेट का बेस्ट यूज क्या है, पढ़ाई के लिए. ठीक है, इंटरनेट का बेस्ट यूज क्या है, बेस्ट यूज जो अभी चल रहा है वो है पढ़ाई के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन. ठीक है, तो यूज ऑफ इंटरनेट में हम क्या लिखेंगे, इंटरनेट यूज फॉर ईच एंड एवरी थिंग और ईच एंड एवरी फील्ड. इंटरनेट यूज फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन चैटिंग, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन स्पोर्ट. ठीक है, सभी जगह से. ऑनलाइन न्यूज, न्यूज टेलीकास्ट भी आते हैं, ऑनलाइन मूवी भी हम दे सकते हैं, वो एंटरटेनमेंट है. ठीक है, वो सारी चीजें करने के लिए हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं. दूसरा, आप कुछ भी सीख भी सकते हो. ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन में आप पढ़ाई का, टेक्स्ट बुक का तो सीखोगे, उसके अलावा आप योगा कर सकते हो, फिर दूसरी कोई एक्सरसाइज भी कर सकते हो, म्यूजिक भी अभी तो सिखाते हैं ऑनलाइन पे. ठीक है, कहने का मतलब है हर एक चीज आप ऑनलाइन कर सकते हो, सीख सकते हो. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे जाते हैं, यूज ऑफ इंटरनेट.
नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ इंटरनेट। उसमें सबसे पहले आता है ईमेल, ठीक है। हम ऐसे बोलते हैं कैन यू सेंड मी अ मेल, मुझे मेल कर दोगे आप, ठीक है। अभी हम मेल वर्ड यूज करते हैं, ईमेल नहीं यूज करते। पहले ईमेल बोलते थे स्टार्टिंग में जब शुरुआत थी तब, पर अब जनरली वो वोकैबुलरी में आ गया है, तो हम क्या बोलते हैं मेल। कैन यू सेंड मी अ मेल, कैन यू अटैच योर डेटा इन ईमेल, ठीक है, ऐसे बोलते हैं हम, ठीक है। तो ईमेल इज अ इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसपे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हमारा जो मोबाइल का डेटा है वो कौन सा डेटा है? हम उसको बोलेंगे ई डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा। अब तो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर कार भी आने लगे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो मोबाइल में डेटा है, हमारे कंप्यूटर में जो डेटा है, वो सब इलेक्ट्रॉनिक डेटा बोला जाता है। इसलिए इस मेल को भी हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई मेल। ई मेल इज यूज टू सेंड मेल्स थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। Used to send and receive, used to send और receive भी कर सकते हैं हम, receive mail through internet, ठीक है। इंटरनेट का यूज करके हम किसी को मेल सेंड कर सकते हैं या किसी का मेल रिसीव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूजिंग ईमेल वी कैन एक्सचेंज द टेक्स्ट मैसेज, पिक्चर, साउंड और अदर फाइल्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। इन अ फ्यू सेकंड क्या हम सेंड कर सकते हैं? पिक्चर, टेक्स्ट मैसेज, पिक्चर, टेक्स्ट मैसेज, साउंड फाइल, अक्रॉस द वर्ल्ड विद इन अ सेकंड। मतलब हम एक सेकंड के अंदर किसी को भी मैसेज या मेल कर सकते हैं, ठीक है। इतना फास्ट काम होता है। जैसे कि हमारे कोई टाइम टेबल हो, ऑनलाइन स्कूल से मैसेज आते हैं तो फटाफट सबको मिल जाते हैं, सारे स्टूडेंट को मिल जाते हैं, ठीक है। वो हमें ईमेल में भी भेजते हैं या फिर सिंपल ऐसे टेक्स्ट मैसेज भी भेजते रहते हैं, तो वो हमें तुरंत मिल जाते हैं। तो पिक्चर भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, कोई साउंड फाइल भी हम मेल के थ्रू किसी को भेज सकते हैं, वो भी सेकंड्स में ही, मतलब कम टाइमिंग, ठीक है। फिर आता है You only need to have an email account which provide free of cost in most of server. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा? ईमेल आईडी जो सबके पास होगा, ठीक है, आप सबके पास होगा ही, मुझे पता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? You can only create email आईडी on server. It's mostly provided free. ज्यादातर वो फ्री में ही होता है, ठीक है। जैसे आप गूगल में हो तो गूगल में आप जीमेल अकाउंट बनाओ तो फ्री में आता है। आप रेडिट मेल में भी मेल बना सकते हो जो फ्री में आता है, हॉटमेल में भी बना सकते हो जो फ्री में आता है, वाई मेल में भी बना सकते हो जो फ्री में आता है, व्हाट्सएप अकाउंट बना सकते हो वो भी फ्री में आता है। तो कहने का मतलब है कि ईमेल बनाने भेजने के लिए या ईमेल रिसीव करने के लिए आपको सिर्फ आपका ईमेल आईडी बनाना है, और पासवर्ड तो हर वक्त आता ही है,
ईमेल आईडी के साथ उसको सिक्योर करने के लिए हमें पासवर्ड भी सेट करना पड़ता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ ईमेल आईडी बनाना होता है और वो आईडी हमें किसी भी ब्राउजर पे से फ्री में मिल जाता है। जैसे कि गूगल है हमारे पास प्रोग्राम, तो वो गूगल क्रोम हमें फ्री में ईमेल आईडी बनाने को देता है। इतना क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यूज आता है, ये पहला यूज था ईमेल रिगार्डिंग। सेकंड यूज इंटरनेट का आता है न्यूज ग्रुप। कौन सा ग्रुप? न्यूज ग्रुप। सेकंड यूज का यूज है न्यूज ग्रुप। ठीक है, न्यूज ग्रुप जिसको हम सोशल वेबसाइट भी कहते हैं। ठीक है, न्यूज ग्रुप जिसको हम सोशल वेबसाइट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूज का यूज आता है न्यूज ग्रुप। ठीक है, न्यूज ग्रुप क्या है? जो सोशल वेबसाइट बोली जाती है। ठीक है, सोशल वेबसाइट जैसे कि हम व्हाट्सएप का यूज करते हैं, वो सोशल वेबसाइट है। तो इसी तरह से न्यूज ग्रुप आर यूज टू एक्सचेंज न्यूज आइडियाज एंड अदर इंफॉर्मेशन। एंड इंटरनेट यूजर कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन ऑफ द डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, वो क्या है सोशल, जैसे कि हम चैटिंग करते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो वो क्या आएगा? न्यूज ग्रुप। दिस थ्रू दिस ग्रुप पीपल डिस्कस, शेयर आइडियाज, पिक्चर्स एंड इंफॉर्मेशन ऑन पर्टिक्युलर टॉपिक। जैसे कि ट्विटर है तो आप ट्वीट करते हो। ठीक है, आप ट्वीट करना शुरू करते हो तो सामने से कोई और ट्वीट करते हो उसका रिप्लाई देता है, फिर अगेन आप ट्वीट करते हो। ठीक है, तो कोई एक टॉपिक हमें मिल जाता है तो न्यूज ग्रुप क्या है? पीपल कैन डिस्कस, शेयर आइडियाज, पिक्चर्स एंड इंफॉर्मेशन ऑन पर्टिकुलर टॉपिक। पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हमें डिस्कशन करना होता है। ठीक है, उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ बोलना होता है या फिर चैट करना होता है, तो वो सब क्या कहलाएगा? न्यूज ग्रुप। क्या कहलाएगा? न्यूज ग्रुप। पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरनेट हमें कंपल्सरी चाहिए। ठीक है, इंटरनेट मस्ट रिक्वायर। इंटरनेट नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि लाइव डिस्कशन करना है, चलो हम सब व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाते हैं और काम करते हैं, तो वो क्या हुआ? लाइव डिस्कशन हुआ, तो उसको हम बोलेंगे न्यूज ग्रुप। न्यूज ग्रुप आर यूज टू एक्सचेंज व्यू, आइडिया, न्यूज एंड अदर इंफॉर्मेशन। एन इंटरनेट यूजर कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिस्कस ऑन दिस डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, फिर अदर आता है कॉन्फ्रेंस, जो हम ज्यादा करते हैं ऑनलाइन चैटिंग एंड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ऑनलाइन चैटिंग एंड कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होगा? ऑनलाइन चैटिंग एंड कॉन्फ्रेंस, उसमें जैसे कि व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप में हम ऑनलाइन फटाफट सब ग्रुप में मिलकर डिस्कस करते हैं, चैटिंग करते हैं। ठीक है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम लेते हैं, जैसे कि जूम मीटिंग में हम आते हैं, कॉन्फ्रेंस में आते हैं और हमारा कुछ भी डाउट है वो सॉल्व करते हैं मैडम के या सर के साथ बैठ के, तो वो सब क्या होगा? कॉन्फ्रेंस या ऑनलाइन चैटिंग। ठीक है, हम चैट बॉट के थ्रू, मतलब चैटिंग के थ्रू भी हमें मैसेज पास ऑन कर सकते हैं,
या बोल के भी, कॉन्फ्रेंस में बोल के भी हम मैसेज पास ऑन कर सकते हैं। इट इज अ लाइव कम्युनिकेशन मेथड, इसको हम क्या बोलेंगे, लाइव कम्युनिकेशन मेथड। ठीक है, आप लाइव कम्युनिकेशन कर सकते हो एट अ टाइम, जैसे कि हमारे घर पेरेंट्स है, पापा है, तो उसका मीटिंग है पर वो ऑनलाइन है, कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, हम ऐसे सुनते हैं किसी से कि भाई वो अभी मीटिंग में है, कॉन्फ्रेंस में है, मतलब अभी लाइव डिस्कशन चल रहा है किसी टॉपिक के बारे में, किसी इम्पोर्टेंट रिजल्ट आने का है। ठीक है, तो ये बोलेंगे हम ऑनलाइन चैटिंग और ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस इज अ लाइव कम्युनिकेशन मेथड। क्लियर है इतना? ठीक है, ऑनलाइन चैटिंग एंड अ कॉन्फ्रेंस इंटरनेट यूजर अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड इंटरनेट आया तो ऐसे समझ ही लेने का अक्रॉस द वर्ल्ड, लाइव विथ वन अनदर, देर आर स्पेशल सॉफ्टवेयर टू ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन द इंटरनेट। अभी ये लाइव कॉन्फ्रेंस करने के लिए हमारे पास स्पेशल सॉफ्टवेयर होने चाहिए, स्पेशल सॉफ्टवेयर फॉर लाइव ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, हमारे पास लाइव जैसे कि जूम मीटिंग है, गूगल मीट है, ऐसे सॉफ्टवेयर होने चाहिए, अगर वो नहीं होगे तो हम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लाइव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसका अदर यूजेज आता है, जैसे कि बैंक अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, कार्ड बेच सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, वो सारे उसके अदर यूजेज हैं। ये सारे उसके अदर यूजेस हैं, जैसे कि इंटरनेट के अदर यूजेस, उसमें फोर्थ नंबर में आता है, जैसे कि बैंक अकाउंट चेक करना। ठीक है, बैंक अकाउंट चेक करना, फिर आता है ऑनलाइन शॉपिंग करना, फिर आता है ऑनलाइन गेम, फिर आता है ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, क्लियर है? ये सारे ऑनलाइन जो भी हम काम करते हैं वो सब क्या आएगा अदर यूजेस में, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग करना, बैंक अकाउंट मैनेज करना, न्यूज़पेपर रीड करना। ठीक है, ऑनलाइन किसी को ग्रीटिंग्स भेजना, ऑनलाइन ग्रीटिंग्स, कुछ विश करने के लिए हम ग्रीटिंग्स भेजते हैं ना। ठीक है, ऑनलाइन ग्रीटिंग्स भी हम भेज सकते हैं। फिर आता है ऑनलाइन एजुकेशन, मतलब ऑनलाइन पढ़ाई करना, ऑनलाइन बुक पढ़ना। ठीक है, परचेज भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो आज हमने देखा स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर वन में, स्टैंडर्ड सेवन चैप्टर नंबर वन में इंटरनेट एंड ईमेल, तो इंटरनेट क्या है उसके बारे में पढ़ा और यूजेस ऑफ इंटरनेट के बारे में पढ़ा। ठीक है, यहां तक का आपको रीडिंग करना है, आज का वीडियो हम यहाँ स्टॉप करते हैं।